बीती रात MBA के छात्र की सड़क किनारे लाश मिली। पता चला है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से छात्र की मौत हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि गर्दन पर धारदार हथियार के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक MBA का छात्र गौरव घर से कोचिंग के बाद करने के लिए गया था, लेकिन जब शाम तक छात्र घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने फोन से संपर्क करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ था। इसी बीच परिजनों को सूचना मिली कि सड़क किनारे उनके बेटे की लाश पड़ी है। लाश को देखने के बाद गर्दन पर धारदार हथियार के निशान हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मामला बिजनौर के थाना धामपुर के निंदरू रोड का है। उधर SP देहात का कहना है कि कल शाम तक युवक की लाश मिली है। परिजनों का कहना है कि छात्री हत्या की गई है, लेकिन अभी तक मृतक के घर वालों की तरफ से कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। Smart sound. नाम आपका? मेरा नाम राजवीर है। क्या मामला था? मैं तो ग्रुप पे आ गया था। अच्छा, तो मेरा जो सुबह 10 बजे धामपुर को कोचिंग कर लिया आया था जी। तो मैं कोचिंग जाए दूसरी जगह पता करके आता हूँ। कोचिंग घाट कर गया था वो जी। ये धामपुर बात करने आया था जी। तो इसका जो फोन जो है 4 बजे से बंद आ रहा था। अच्छा, तो मैंने जो फोन मिला था वो उसका बंद आया जी। फिर जो मैं साइकिल से अपने को दी पा लिया। अच्छा, ड्यूटी पर मुझे पता चला कि ऐसा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, फिर हमने देखा अस्पताल में पहुँचो तो मैं अस्पताल आ गया। अस्पताल में आके देखा तो मेरे बेटे की डेड हो गई। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? मेरे बेटे का जो है कत्ल किया गया है धारदार चीज से। एडिशनल साहब, ये धामपुर थाना इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ है, परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, क्या पूरा मामला है? थाना धामपुर की चौकी नींदू पर जो है डेड बॉडी कल मिली थी शाम को 7:30 बजे, और वो जो लड़का अस्पताल का गौरव नाम था, और वो मोटरसाइकिल काफ़ी क्षतिग्रस्त थी और उसे भी चोटें थी, उसका एक दाहिना पैर भी टूट गया था। और जांच से ही बात प्रकाश में आई कि अपने घर से वो धामपुर गया था और धामपुर से जब लौट के आ रहा था तभी ये वाकया हुआ है। प्रथम दृष्टया ये शुरू में पुलिस ने इसको एक्सीडेंट समझा, लेकिन उनके परिजन जो हैं उसमें हत्या की आशंका बता रहे हैं, और अभी तक उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी। अगर जैसी तहरीर देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा भैया राजवीर जयवीर सिंह नाम है। क्या मामला है भाई साहब? अपन कह देते हैं वैसे मुझे जी। भैया मैंने जब देखा ऐसा कोई मृत्यु हुई है, इसकी मर्डर हुआ है, गर्दन इसकी किसी धारदार हथियार से काटी गई है। क्या नाम है मृतक का? गौरव नाम है, वैसे कलवा कह देते हैं सर। अच्छा, कहाँ पर मिली बॉडी? ये बॉडी भैया नींद के पास जो जहाँ कोल्लू लगा हुआ है जी, उसके साइड में एक रोड निकली है, वहाँ मिली है। आपने हत्या की सूचना पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को दी है। पुलिस ढाक चलाई है। पुलिस ने ही यहाँ हमें भी समझाया, हमने कही पता नहीं कि आप अभी देखो, फिर भी उन्होंने कही कि इसमें पोस्टमार्टम कराया जाकर।